भले ही किसानों की गेहूं खरीद को लेकर सूबे की मनोहर सरकार की ओर से लंबे चौड़े दावे किए जा रहे हैं कि गेहूं की फसल की खरीद 1 अप्रैल से शुरू कर दी जाएगी, यानी कि आज से गेहूं की खरीद शुरू, लेकिन गेहूं खरीद को लेकर ऐलनाबाद मंडी में सरकार के तमाम दावे हवा हवाई होते उस वक्त नजर आए जब पंजाब केसरी टीम ने खरीद एजेंसी हैफेड के मैनेजर से गेहूं की खरीद की जाने वाले जारी दिशा निर्देश के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी तक सरकार द्वारा उन्हें कोई गाइडलाइन नहीं मिली, जैसे ही गाइडलाइन आएगी तो उसकी पालना की जाएगी। ऐलनाबाद हमारे जो ऐलनाबाद मार्केट कमेटी है उसके अंतर्गत एक तो नई अनाज मंडी ऐलनाबाद है और अतिरिक्त अनाज मंडी ऐलनाबाद है और दो खरीद केंद्र हैं जिनके नाम है दौलवाली और बुरटवाला। वहाँ पर मार्केट कमेटी द्वारा जो भी मूलभूत सुविधाएँ देनी है वो प्रदान कर दी गई हैं, जिसमें लाइट का प्रबंध, पानी का प्रबंध और सफाई व्यवस्था उसको सुचारू रूप से बना दिया गया है। और इसके अलावा गेट पास जारी करने के लिए जो स्टाफ है उसकी नियुक्ति कर दी गई है, मंडियों में स्टाफ की ड्यूटी लगा दी गई है। जो सरकार ने किसानों को SMS की सुविधा प्रदान की गई है पोर्टल पर जो जिनका नाम पंजीकृत किया है, आज 1 तारीख को कुल कितने किसानों को ये SMS भेजे गए हैं? ये किसानों को जैसा कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है किसानों को मैसेज गए हैं और जो कि हम भी अपनी ID के ऊपर SMC की ID के ऊपर उसको देख सकते हैं, जो मौके पर टेक्निकल फॉल्ट की वजह से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट होते ही हम आपको संख्या भी बता देंगे। सेक्टर साहब जी, जैसे गत वर्ष गांव स्तर पर भी खरीद केंद्र बनाए गए थे, क्या इस वर्ष भी ऐसे जो खरीद केंद्र बनाने को लेकर किसान सरकार की कोई हिदायत है? पिछले वर्ष जैसे कि आपको विदित है कि पिछले वर्ष कोविड की समस्या थी, इसलिए बीमारी का ज़्यादा फैलाव ना हो तो उसके अंतर्गत बनाए गए थे और इस समय हमारे पास जो हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से कोई सूचना नहीं है, किंतु एक मतलब डायरेक्टर फूड की तरफ से जिला नियंत्रक फूड एंड सप्लाई को एक पत्र है जिसमें कि खरीद केंद्र खोलने जाने वाले सरकार के निर्णय जो लिए गए हैं उसकी हिदायत दी गई है, जैसे हमारे को इंस्ट्रक्शन प्राप्त होगी इसकी आवश्यकता होगी। वहीं दूसरी तरफ सचिव मार्केट कमेटी ऐलनाबाद दीपक कुमार का कहना था कि गेहूं खरीद के लिए पूर्ण रूप से व्यवस्था कर ली गई है ताकि किसान को किसी प्रकार की समस्या न आए, लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल उठता है कि सरकारी खरीद के पहले दिन कुल कितने किसानों को अपनी गेहूं की फसल मंडी लाने के लिए SMS किया गया तो उनके द्वारा किए गए दावे भी फेल होते नजर आए। अब वहीं गेहूं की खरीद के प्रथम दिन मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना की स्कीम भी कहीं न कहीं विफल होती नजर आई। ऐलनाबाद से सुरेंद्र सरदाना, पंजाब केसरी TV।